गाइज यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं टर्मिनल टू एयरपोर्ट पे। मैं आज जा रही हूँ घर। गाइज यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं टर्मिनल टू एयरपोर्ट पे और मेरी फ़्लाइट है 11:15 की और मैं पहुँच चुकी हूँ 8 बजे के पहले, क्योंकि मुझे टर्मिनल टू का आप लोगों को दिखाना है अंदर से, तो इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी आई हूँ। तो भाई साहब मेरे नहीं जा रहे हैं, आए हैं ड्रॉप करने के लिए, तो बस थोड़ी देर यहाँ आउटसाइड में रहेंगे और फिर उसके बाद इनसाइड में एंट्री करेंगे और आप लोगों को सब कुछ दिखाएँगे। राधे राधे आप सभी को, वेलकम बैक टू माय चैनल दीक्षा गुप्ता व्लॉग्स। आप लोग कैसे हैं? होपफुली आप लोग फिट हैं, फाइन हैं। तो अभी मैं हूँ बेंगलोर के टर्मिनल टू एयरपोर्ट पे। तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैं आज जा रही हूँ घर। तो मेरा बेंगलोर से वाराणसी का फ़्लाइट है, तो मैं बहुत ही जल्दी पहुँच चुकी हूँ। तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि आज के व्लॉग में आपको मैं टर्मिनल टू के अंदर का डिपार्चर का पूरा दिखाऊँगी, कैसे बना हुआ है, और अगर मुझे टाइम मेरे पास बचेगा तो मैं आप लोगों को लॉन्च भी दिखाऊंगी। इतना जल्दी पहुंच के बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि मुझे अच्छे से ब्लॉग बनाना था, आप लोगों को पूरा डिपार्चर के इनसाइट का दिखाना है, तो इसीलिए मैं जल्दी आ गई हूँ। तो हम मैंने डीजी यात्रा ऐप भी इंस्टॉल किया है, तो उससे थोड़ा जल्दी एंट्री हो जाता है। ये भाई साहब रुके हैं, इनको जाने का मन नहीं है, रोएंगे। रोना मत भाई, जो तुम्हारी तरह नहीं है। मैं ये अकेले रहेगा ना, तो इसीलिए बोल रहे हैं अच्छे से रहना। और अच्छा लगता है अकेले रहने में। अच्छे से रहना, कोई कुछ देगा खाना नहीं, घर में रहना, बाहर नहीं घूमना। आए बैगन। तो मैं अकेले घर जा रही हूँ, ये नहीं जा रहा है, माइट भी ये बाद में आए। ये जाएगा वोट देने के लिए, यूपी में 25th को है ना, 25th मई को इलेक्शन है, तब ये आएगा, उस टाइम तब जाएगा। कैसा लग रहा है एयरपोर्ट आके? अच्छा लग रहा है, बुरा तो नहीं फील कर रहे हमको घर जाने को नहीं मिल रहा है? हमको तो और अच्छा लग रहा है, कम से कम अकेले तो रहेंगे। देख लीजिए गाइस कैसे बोल रहा है कि मुझे अकेले रहने अच्छा लगेगा, मेरे जाने से बहुत ज्यादा खुश है। हम तो दुखी हो जाते हैं क्योंकि मुझे अकेले रहना अच्छा नहीं लगता है। अंदर एंट्री कर चुके हैं, मैं पहले लगेज वगैरह बुक कर लूँगी, फिर उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगी। यहाँ पे मैं अपना बोर्डिंग पास कलेक्ट कर रही हूँ, और बैग में जो ये क्या है, बैगेज टैग है ये, और ये मेरा बोर्डिंग पास है। थैंक यू। ये आप लगा दोगे कि वहाँ लेके जाना पड़े? ओके ओके थैंक यू। यहाँ पे अभी लगेज बुक होगा, लगेज को पहले वेट करेंगे, इसके बाद ये लोग टैग वैग लगा के अपना। नो नो नथिंग इज देयर, सॉरी कैन यू रिपीट? नो 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 नो, एवरी इलेक्ट्रॉनिक थिंग्स इन माय लैपटॉप बैग। यहाँ पे बैग का टैग लग रहा है, फिर देन आई एम फ्री टू शो यू एवरीथिंग। ये है पूरा एयर एक्सप्रेस इंडिया का
लगेज बुकिंग का हो. गेट नंबर इज डी 10. ओके थैंक यू पॉइंट. थैंक यू. ओ थैंक यू गाइज. मेरा लगेज बुक हो चुका है जैसा कि आप लोगों ने देखा, और अभी बस हम अपने गेट नंबर की तरफ जाएंगे. वैसे तो मेरे पास बहुत ही समय है, तो मैं आराम से घूमूंगी पहले T2 एयरपोर्ट के अंदर, और आप लोगों को सब कुछ दिखाऊंगी. एक्चुअली मैं पहले भी बोला मैंने कि आप लोगों को दिखाने के लिए मैं बहुत पहले आई, क्योंकि मुझे आप लोगों को पूरा टर्मिनल 2 डिपार्चर का दिखाना है, और मैं भी फ़र्स्ट टाइम टर्मिनल 2 से मतलब ट्रैवल कर रही हूँ. तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ मैं देखने के, क्योंकि इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना हुआ है. तो आप लोग होपफुली इस ब्लॉग को बहुत इंजॉय करेंगे. बहुत ही अच्छा एयरपोर्ट बना हुआ है. तो यहाँ से डोमेस्टिक का डिपार्चर स्टार्ट होता है, तो अभी बस हम एंट्री करेंगे. ओके ऐसे करना है. तो गाइज यहाँ पे मेरा हो गया एंट्री, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना ही अच्छा बना हुआ है ये. सिक्योरिटी चेक करवाने के लिए, सिक्योरिटी चेक होगा तो फिर एकदम अंदर में एंट्री हो जाएगी मेरी. फिर उसके बाद आराम से लॉन्च में जाएंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम है. तो मैं आप लोगों को लॉन्च भी दिखा दूंगी कि यहाँ का लॉन्च का क्या प्रोसेस है. आप लोग को अगर टर्मिनल 1 बेंगलोर का एयरपोर्ट देखना है तो आई बटन ऊपर आएगा, आप उस पर क्लिक करके वॉच कर सकते हैं. मैंने एक नहीं दो ब्लॉग आई थिंक मैंने बनाया है, तो आप लोग टर्मिनल 1 का बेंगलोर का एयरपोर्ट देख सकते हैं. फ्यू मिनट्स लेटर गाइस मेरा सिक्योरिटी चेक हो गया, और ये कोक मैं बैग में रखी थी तो उन्होंने निकलवा दी, तो अब मुझे ये ख़त्म करना पड़ेगा फ्लाइट में जाने के पहले. तो यहाँ से आप पीछे का बैकग्राउंड देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर बना हुआ है ये एयरपोर्ट. गेट नंबर D10 से है, जो कि इस साइड में है. तो अभी बस हम डिपार्चर के साइड में आ चुके हैं, और यहाँ पे वेट करेंगे. एक्चुअली 10 मिनट्स ही है, क्योंकि अभी 10 o'clock होने में 5 मिनट्स है. तो 10:05 का बोर्डिंग स्टार्ट करेंगे लोग. तो बस अभी बोर्डिंग करेंगे, उसके बाद फिर देखेंगे घर पहुँच जाएंगे. हमारा बोर्डिंग हो गया है, मतलब बोर्ड कर रहे हैं. बोर्डिंग सिक्योरिटी चेक हो चुका है, बस हम फ्लाइट के अंदर जा रहे हैं. होपफुली आप लोगों को टर्मिनल 2 का एयरपोर्ट अच्छा लगा होगा. इनसाइड इंफ्रास्ट्रक्चर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा.
कर चुकी हूँ, बस अभी जाके मुझे बैग कलेक्ट करना है, फिर उसके बाद आकाश भाई आया है मुझे लेने के लिए, फिर वहाँ से हम जाएंगे बुआ के घर पे, फिर कुछ देर वहाँ पे बुआ के घर पे रहेंगे, फिर उसके बाद वहाँ से निकलूँगी। तो चलिए अभी चलते हैं बेल्ट नंबर 2 के पास, क्योंकि वहाँ से मुझे अपना लगेज कलेक्ट करना है, लगेज लेके फिर निकल जाएंगे। होपफुली आप लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर बेंगलोर का टर्मिनल 2 एयरपोर्ट और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर और पूरा वो अच्छा लगा होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक कर दीजिएगा, बहुत सारा प्यार दीजिए, बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आएंगे भी। यहाँ से आप देख सकते हैं ये है बनारस का, बनारस बोल लीजिए, वाराणसी बोलते हैं, वाराणसी का अराइवल का एरिया और बनारस का एयरपोर्ट आपको देखना है तो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, ऊपर भी ऊपर आई बटन भी आएगा तो आप वहाँ से क्लिक करके पूरा बनारस का एयरपोर्ट देख सकते हैं। गाइज अभी जा रहे हैं लगेज कलेक्ट करने बेल्ट नंबर 2 पे, फिर लगेज कलेक्ट करेंगे और घर के लिए निकलेंगे। काफ़ी एक्साइटेड हूँ मैं, ऑलमोस्ट 4 महीने रह के आई हूँ, मेरा बैग आई थिंक आ चुका है। गाइज ये मिल चुका है मेरा लगेज, अब चलते हैं एग्ज़िट की तरफ। गाइज बैग मिल चुका है, बस अभी एग्ज़िट कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा लग रहा है अपने स्टेट में आके। तो चलिए देखते हैं, आकाश भाई आ चुके हैं और वहीं खड़े होके वेट कर रहे हैं चश्मा लगा के। यहाँ पे हमारे आकाश भाई मिल गए हैं और उसके साथ में ये आया है लड़का, ये उधर चला भाग गया मेरी दीदी का लड़का, और आए हैं हमारे साथ और मुझे रिसीव करने के लिए ये दो लड़के आए हैं, अंजू रानी, सॉरी इसका नाम अनुज है, मेरे बुआ का लड़का है और दीदी का बेटा है, और आकाश भाई तो आए। चलिए आपको दिखाते हैं, हमारी ब्लैक ब्यूटी आई है हमें रिसीव करने के लिए और ये दो मुंडे के साथ, एक दीदी का लड़का एक अंजू रानी है, और यहाँ पे हमारे भाई साहब आकाश भाई ये आए हुए हैं, और ये हमारी ब्लैक ब्यूटी है जो पेड़ के नीचे खड़ी है, नहीं तो लोग एग्जिट कर रहे हैं बनारस एयरपोर्ट से, बाबतपुर एयरपोर्ट। अरे इसको बनारस बाबतपुर में है ये, लेकिन इसका क्या, लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल हवाई अड्डे से हम एग्जिट कर रहे हैं अभी अभी, ठीक है आप लोगों को। तो यहाँ पे हमारे साथ में हैं आकाश भाई और ये हैं हमारे, परिचय दीजिए अपना, क्या नाम है आपका? तेजस। तेजस हैं और ये हैं अनुज गुप्ता एके अचुरानी। ओह भाई क्या इंट्रोडक्शन था आपका, तो आपको तो पता ही, कैमरे के पीछे मैं हूँ दीक्षा गुप्ता, वन एंड वनली दीक्षा गुप्ता। तो अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं अपने बुआ के घर, मेरे बुआ का घर यहाँ से 10 मिनट की दूरी पे है। गाइज ये है बाहर का व्यू इस लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल हवाई अड्डे का, और आपको अगर प्रॉपरली देखना है तो आप मेरे प्रीवियस वाराणसी टू बेंगलोर ट्रेवल का वीडियो देख सकते हैं, आई बटन ऊपर आएगा और वहां से क्लिक करके आप देख सकते हैं। दीदी कौन सा गाना सुनोगी? चाहे जो गाना लगाओ, भी मेरे पे कॉपीराइट क्लेम आने लगेगा तो ध्यान से। Thank you.